कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल में 16 साल की लड़की सिमोन को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रही है। हालांकि वो लोग ये नहीं जानते कि उनके ऊपर कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। अचानक सिमोन का पिता फ्रेडरिक वहां आया और सिमोन को वहां से ले जाते हुए कहने लगा कि उन्हें जल्दी से वहां से निकलना होगा। फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट है जो कि अपोलोन नाम की कंपनी में काम करता है। फ्रेडरिक को लगता है कि संक्रामक बारिश की वजह से पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, जिसके संपर्क में आते ही लोग बीमार पड़ेंगे और कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो जाएगी। पूरे शहर पर काले घने बादल मंडराने लगे, इसीलिए फ्रेडरिक ने उसके पूरे परिवार को कार में बिठाया और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गया। सिमोन का भाई रास्मस सीट बेल्ट लगाने से मना कर रहा था, जिस वजह से फ्रेडरिक का ध्यान भटका और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। फ्रेडरिक जानता है कि उनके पास टाइम नहीं है, इसीलिए उसने अपने परिवार को कार से बाहर निकाला और जंगल में भाग गया। तभी एक आदमी ने उन्हें देख लिया और वो उनके पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद वो लोग एक बंकर पर पहुंचे, जिसे अपोलोन कंपनी ने ऐसी ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाया था। उनके बंकर के अंदर जाते ही बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बंकर के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम ने उन लोगों पर सैनिटाइजर छिड़का और फिर वो अंदर चले गए। वो सभी काफी डरे हुए लग रहे थे। फ्रेडरिक को वहां से बाहर जाना था, क्योंकि शायद वो इस वायरस को फैलने से रोक सकता है। जाने से पहले फ्रेडरिक ने सिमोन से कहा कि अपने भाई का ख्याल रखना, क्योंकि वही ये सब रोक सकता है। सिमोन कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फ्रेडरिक के पास उसे समझाने का समय नहीं था। फ्रेडरिक के जाने के बाद सिमोन ने फोन में उसके दोस्तों को बारिश की वजह से मरते हुए देखा। बाहर तेज फैल रहे वायरस की वजह से सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। उनकी माँ ने उन्हें शांत रखने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी बहुत डरी हुई थी। अचानक उनके बंकर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सिमोन की माँ जानती है कि फ्रेडरिक खुद बंकर के अंदर आ सकता है, इसीलिए उसने सिमोन से इसे इग्नोर करने के लिए कहा। लेकिन उन बच्चों से रहा नहीं गया और उन्होंने जल्दी से जाकर बंकर का दरवाजा खोल दिया। बाहर की तरफ बारिश में वही आदमी खड़ा था जिसने थोड़ी देर पहले उनका पीछा किया था। उसने रास्मस को बंकर से बाहर खींच लिया और उस पर वायरस का असर साफ दिखाई दे रहा था। सिमोन की मां ने उस आदमी को पकड़ा और अपने बच्चों से जल्दी बंकर के दरवाजे को बंद करने के लिए कहा। वो अपनी मां को इस तरह से बाहर छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो बारिश में फैले वायरस की वजह से मर गई। वहीं रास्मस और सिमोन अपनी माँ की मौत पर रोने लगे। इसके बाद सिमोन ने अपने भाई का ख्याल रखा और उसे खुश रखने की कोशिश करने लगी। एक रात जब वो सो रहे थे, तभी सिमोन एक आवाज से उठ गई। चेक करने पर उसने देखा कि रास्मस उसके बेड पर नहीं है। रास्मस ने कहा कि उसने उनके पिता को देखा, लेकिन सिमोन ने सोचा कि शायद उसने सपना देखा होगा। इसके बाद उन्हें बंकर का कंट्रोल रूम दिखा, जहां उन्हें पता चला कि पूरी सिटी में उनके जैसे कई सारे बंकर्स मौजूद है। सिमोन ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। उन्हें वहां पर एक रेडियो भी मिला, जिसकी मदद से उन्होंने बाहर किसी से संपर्क करने की कोशिश की। उनका ये प्लान काम कर गया और उन्होंने फिलिप नाम के एक लड़के से बात की। फिलिप भी उनकी तरह काफी डरा हुआ था। उसने बताया कि उसका पूरा परिवार मर चुका है और उसने सिमोन के पिता को कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उनका कनेक्शन टूट गया। सिमोन ने अपने भाई रास्मस से वादा किया कि पूरी दुनिया को बचाने के बाद उनके पिता लौटकर जरूर आएंगे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने साल में। फिर हमने सीधा 6 साल बाद का सीन देखा। रास्मस अब 17 साल का हो चुका है और अब उससे और इंतजार भी नहीं हो रहा। सिमोन को भी अभी लगने लगा है कि उसके पिता शायद अब कभी लौटकर नहीं आने वाले, क्योंकि इतने साल जो बीत चुके हैं। रास्मस ने सिमोन पर उससे झूठ बोलने का आरोप भी लगाया, क्योंकि वो जानती थी कि उनके पिता कभी लौटकर नहीं आने वाले। एक रात सिमोन ने उस बंकर से बाहर जाने का फैसला कर ही लिया। जब रास्मस सो रहा था, तब सिमोन ने हैजमेट सूट पहना और 6 साल में पहली बार उस बंकर का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सिमोन को उसकी माँ की याद आ गई। उसने अपनी माँ के अंश ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद वो शहर की तरफ चली गई। शहर में सभी तरफ क्वारंटाइन जोन की तरफ जाने के साइंस बने हुए थे। सिमोन ने उन साइंस को फॉलो किया, लेकिन उसे सिर्फ सड़ी हुई लाशें ही मिली। सिमोन समझ गई कि पूरी दुनिया में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है और बंकर के अंदर रहने से अब उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। अचानक एक जंगली कुत्ता उसके पीछे पड़ गया और वो एक कमरे में जाकर छिप गई। अगली सुबह रास्मस जागा और उसने सिमोन को किचन में देखा। उसने रास्मस को बताया कि वो कल रात बाहर गई थी और उसे कुछ नहीं मिला। उन्होंने अगले दिन हमेशा के लिए उस बंकर को छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद वो दोनों सो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके बंकर का एयर डक्ट ब्लॉक हो गया है और बंकर के अंदर की ऑक्सीजन नहीं बची है।
जिस वजह से सिमोन बेहोश हो गई, लेकिन रास्मस सही समय पर उठ गया और सिमोन को बंकर से बाहर निकाल लाया। तब ये खुलासा हुआ कि उस एयर डक का ब्लॉक होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। सर्वाइवर्स के एक ग्रुप ने कल सिमोन को देख लिया था और उन्होंने ही बंकर के साथ छेड़खानी की थी। उन्होंने दोनों भाई बहन को एक कमरे में लॉक कर दिया। उस ग्रुप के लीडर ने बताया कि वो यहाँ पर खाने की तलाश में आए हैं, लेकिन इतने सालों में सिमोन और रास्मस का सारा खाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। जब उन्हें पता चला कि इस बंकर में तो कुछ भी नहीं है, तो वो लोग वहां से जाने लगे और उन्होंने सिमोन और रास्मस को उस कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया। ये देखकर सिमोन ने उस ग्रुप के लीडर मार्टिन से कहा कि वो ऐसे ही और बंकर्स की लोकेशन जानती है जहां पर उन्हें खाना मिल सकता है। ये सुनकर मार्टिन ने उन दोनों भाई बहन को उसके ग्रुप में शामिल कर लिया। उस ग्रुप से उन्हें पता चला कि पूरी दुनिया के लगभग 90% लोग मर गए हैं और बचे हुए अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। वो लोग खाने के लिए मरने और मारने पर उतर आए हैं। तब हमने एक फ्लैशबैक देखा कि मार्टिन उस बारिश से कैसे बचा था। वो एक मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा था जो कि बॉर्डर पर इन्फेक्टेड लोगों को सिटी में आने से रोक रहे थे। एक दिन बारिश के बाद वो ब्रिज की रखवाली कर रहा था कि तभी एक औरत हाथ में अपने बच्चे को लेकर ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। मार्टिन को उसे गोली मारनी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, जिस वजह से मार्टिन के सभी साथी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए और अंत में सिर्फ वो ही जिंदा बच पाया। इसके बाद मार्टिन ने पैट्रिक नाम के एक लड़के से दोस्ती कर ली और वो दोनों साथ मिलकर खाना और रहने की जगह ढूंढने लगे। एक दिन उन दोनों को 3 लोगों का एक ग्रुप मिला जिसके लीडर पेट्रिस थी। उन्होंने उन्हें खाना देने का वादा किया और वो सभी एक ग्रुप में शामिल हो गए। हालांकि ग्रुप में रहने के लिए बीट्रिस मार्टिन के साथ इंटीमेट होती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आई जहां वो सभी लोग दूसरे बंकर्स की तरफ जा रहे थे। सिमोन उन सभी को वहां तक का रास्ता दिखा रही थी, वहीं दूसरों को उस पर यकीन नहीं था। रास्मस और बीट्रिस ने एक दूसरे से बात की और एक दूसरे को काफी अच्छी तरह जानने लग गए। ऐसी सिचुएशन में भी रास्मस खुले आसमान और पेड़ों को देखकर काफी खुश हुआ। अचानक उन्होंने एक गाड़ी देखी और वो लोग छिप गए। हाथ में हथियार लिए दो लोग उस गाड़ी से बाहर आए और मार्टिन ने कहा कि वो अनजान लोग हैं जो सर्वाइवर्स को किडनैप करते हैं। वो लोग मार्टिन और उसके साथियों को ढूंढते कि तभी एक लड़की जंगल की तरफ भागी, जिससे उन लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। ये देखते ही वो लोग वहां से भागने लगे, लेकिन सिमोन ने उन सभी को रोक लिया। वो उस बेचारी लड़की को बचाना चाहती है। बीट्रिस भी सिमोन की बात पर सहमत हुई और मार्टिन को फिर उनकी बात माननी पड़ी। थोड़ी देर बाद उन्हें वो लड़की एक तालाब के अंदर मिली। वो लड़की उन दोनों आदमियों से बच गई, लेकिन उस तालाब के इन्फेक्टेड पानी की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। ये देखकर मार्टिन ने उस लड़की को गोली मार दी। सिमोन और रास्मस ये देखकर हैरान रह गए, लेकिन अब उन्हें इसी सच के साथ आगे बढ़ना होगा। फिर वो एक बिल्डिंग में रात रुके जहाँ उनके ग्रुप के एक मेंबर लिया ने आराम किया क्योंकि वो बीमार है। रास्मस को उस बिल्डिंग में एक लाश मिली तो उसने उस लाश के जूते पहन लिए जो कि 100% वाटरप्रूफ थे। फिर उस रात को रास्मस को नींद नहीं आई तो वो इधर उधर घूमने लगा और उसने देखा कि बीट्रिस और मार्टिन इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर रास्मस को जलन होने लगी क्योंकि वो बीट्रिस को पसंद करने लगा था। फिर अगले दिन वो लोग दूसरे बंकर की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में रास्मस ने गलती से पानी में पैर रख दिया। ये देखते ही मार्टिन ने उसे शूट करने के लिए गन निकाल दी, लेकिन सिमोन ने उसे रोक दिया। रास्मस के वाटरप्रूफ जूतों ने उसे बचा लिया। इसके बाद वो सभी फाइनली दूसरे बंकर तक पहुंच गए जो सिमोन के फिंगरप्रिंट से खुल गया। उन्होंने अंदर जाकर देखा कि वहां पर ढेर सारा खाना रखा हुआ है। उन लोगों ने पिछले कई सालों से इतना खाना नहीं देखा था, इसलिए वो खुशी से पागल हो गए। उसी समय सिमोन ने बंकर के कमरे में एक फोन देखा। वो फोन सिमोन के पिता का है, इसका मतलब वो सालों पहले इस बंकर में रह चुके हैं। उस फोन में सिमोन को एक वीडियो मिली जो कि फ्रेडरिक के बॉस की थी, जो फ्रेडरिक से स्वीडन में मौजूद एपोलोन हेडक्वार्टर आने के लिए कह रहा था। उसने ये भी कहा कि सिर्फ फ्रेडरिक ही है इस वायरस का इलाज ढूंढ सकता है। सिमोन ने मार्टिन को वो वीडियो दिखाई और स्वीडन तक पहुंचाने में उसकी मदद करने के लिए कहा, लेकिन क्योंकि उस बंकर में इतना सारा खाना है और वो यहाँ पर सेफ है, इसीलिए मार्टिन ने सिमोन की मदद करने से मना कर दिया। इस वजह से रास्मस और सिमोन अकेले ही वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब बीट्रिस नींद से जागी तो उसे उन दोनों के वहां से जाने वाली बात पता चली। उसने मार्टिन को अलविदा कहा और अपने दोस्त लिया और जेन के साथ सिमोन और रास्मस को ढूंढने उसके पीछे चली गई। मार्टिन अपने दोस्त पैट्रिक के साथ उस बंकर में अकेला रह गया, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। इधर वो सभी लोग कोपेनहेगन शहर के बॉर्डर पर मिले और आगे बढ़ गए। वो सभी एक दूसरे के साथ काफी खुश लग रहे थे। कई घंटों तक चलने के बाद वो लोग एक जगह पर रुके और खाना खाया। जेन और लिया पास के शॉप पर उनके लिए ग्लासेस लेने के लिए चली गई, तभी कुछ चोरों ने उन पर हमला कर दिया जो कि उनका खाना चुराने आए थे। वो तीनों वहां से भागे, लेकिन सिमोन रास्मस और बीट्रिस से बिछड़ गई। सिमोन उस शहर के अनजान हिस्से में पहुंची जहां उसे एक छोटा बच्चा मिला।
अचानक वहाँ पर बारिश होने लगी, इसीलिए वो एक बिल्डिंग में जाकर छिप गए। जब वो छोटा बच्चा भूख के मारे दवाइयाँ लेने लगा तो सिमोन ने उसे खाना दिया। अचानक उस बच्चे का पिता वहाँ पर आ गया, जो सोच रहा था कि सिमोन उनके लिए खतरा है। सिमोन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो बुरी इंसान नहीं है और उसने उन्हें और खाना दिया। फिर जब बारिश बंद हुई तो वो दोनों बाप बेटे उस बिल्डिंग से बाहर आए, लेकिन कुछ गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया। सिमोन उनकी मदद करना तो चाहती है, लेकिन वो जानती है कि ये पागलपन है, इसीलिए वो वहाँ से भाग गई। वहीं इस तरफ रास्मस और बिएट्रिस एक कॉलोनी में पहुंचे जहाँ बिएट्रिस पैदा हुई थी, और वो बिएट्रिस के बचपन के घर रुके। पहली बारिश होने के बाद से वो यहाँ पर नहीं आई थी, इसीलिए अपने पेरेंट्स की सड़ी हुई लाशें देखकर वो काफी दुखी हुई। रास्मस ने उसे संभाला और दोनों बातें करने लगे। फिर बारिश बंद होने के बाद वो दोनों उसी जगह पर गए जहां वो सभी लोग बिछड़े थे। सिमोन भी वहां पर थी और वो लोग फिर से मिल गए, लेकिन तभी कुछ गुंडों ने एक बार फिर उन पर हमला कर दिया, जो सिमोन का पीछा कर रहे थे। उन्होंने रास्मस को बंदी बना लिया और उनसे उनका खाना मांगने लगे। ठीक उसी समय मार्टिन और पेट्रिक के हाथ में गन लेकर वहां पर आ गए, क्योंकि वो दोनों भी उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन तभी वो गुंडे रास्मस को चाकू मारकर वहां से भाग गए। सिमोन को याद आया कि उनके पास में एक और बंकर है, और उसने मार्टिन से रास्मस को वहां तक ले जाने के लिए कहा। वो उस बंकर में रखी दवाइयों से रास्मस को ठीक कर सकते हैं। वो सभी लोग रास्मस को जल्दी से उस बंकर में ले गए, लेकिन वो बंकर तो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। फिर भी उन्होंने रास्मस के घाव पर पट्टियां बांधी और उसे बचा लिया। तभी एक फ्लैशबैक में हमने मार्टिन, बिएट्रिस और उनके ग्रुप को खाने की तलाश में भटकते हुए देखा। बिएट्रिस ने मार्टिन को एक घर दिखाया और कहा कि ये उसका बचपन का घर है। यहाँ हमें पता चला कि बिएट्रिस मार्टिन और रास्मस दोनों से झूठ बोल रही है, और वो कुछ तो छिपा रही है। इस सीरीज के लास्ट सीन में मार्टिन ने सिमोन को एक डिवाइस दिखाया जो उसे पिछले बंकर में मिला था। उस डिवाइस में एक मैप था जिसमें पूरे शहर में एक दीवार दिख रही थी, जो कि वायरस के फैलने से पहले मौजूद नहीं थी। मार्टिन को लगता है कि इस दीवार के दूसरी तरफ वाला हिस्सा वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, यानी कि उनके पास बचने का एक मौका और है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस सीरीज का अगला पार्ट हमारे दूसरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, इसीलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।